हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है 30 आपका हमारे इस चैनल पे। आज हमारे पास एक वीवो का डिवाइस है जिसमें टॉक बैक की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी आईकॉन पर क्लिक करते हैं तो साउंड बोल रहा है और उसके आसपास एक ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। तो चलिए फिक्स करते हैं इसको। तो इस प्रकार की समस्या को अगर सबसे इजी तरीका उसको सही करने का, हमारे पास एक ट्रिक है सबसे इजी, तो आपके जो डिवाइस है, कोई भी डिवाइस आपका वीवो सैमसंग कोई भी, उसके जो वॉल्यूम अप डाउन किए हैं उन आपको दोनों दोनों को प्रेस एक साथ प्रेस करना है, यानी एक साथ दबाना है। वॉल्यूम प्लस और माइनस की दोनों को एक साथ दबाना है। ये हमारा एक साथ दबा दे, हमारा ये जो समस्या है इसका ये सोल्यूशन हो गया। सबसे पहले नंबर ये ट्रिक है, उसके बाद और भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपका किसी मोबाइल से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। चलो मैं दूसरे ट्रिक के बारे में बताता हूँ। हमने इसमें जो टॉक बैक है उसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया है। इस प्रकार से किसी भी आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आइकॉन पर क्लिक नहीं होगा, हो जाएगा हालांकि। तो इसको देखिए किस प्रकार से क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो नहीं खुलेगा, आपको डबल दो बार प्रेस करना पड़ेगा इसके ऊपर लगातार। ये नहीं खुल रहा है देखो, और इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आराम से खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया, इस प्रकार से मानता है ये। तो इसको किस प्रकार से फिक्स करेंगे उसके लिए वीडियो में बनी रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में, ये सेटिंग ओपन करेंगे। और ये जो डिवाइस है आपके फ़ोन में इससे अलग भी हो सकता है, तो आपको मैं बता दूं, मोर सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होती है, उसमें जाकर निकल आएगा। इसमें मैंने मोर सेटिंग को चला गया और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी आएगी इसमें, ये सबसे नीचे है। इसमें आपके डिवाइस में कहीं भी हो सकती है तो आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि सेम हो। और इसके बाद ये टॉकबैक है जो है, इस पर क्लिक करना है इसी प्रकार से, यहाँ से इसको ऑफ करना है हमें, ये कंफर्म कर देना है यहाँ से। और जैसे हम इसको कंफर्म कर दिया हमने, जैसे इसको कंफर्म, वही हमारी जो समस्या का समाधान है वो हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको मैं एक बार अपने जो डिवाइसेस को पावर बंद करके यानी ऑफ करके दोबारा रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये दोबारा समस्या प्रॉब्लम तो नहीं करती है। ये देखिए हमारा डिवाइस बड़ी आसानी से चल रहा है, बिना किसी दिक्कत के आराम से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमारी जो टॉक बैक की समस्या थी, टॉक बैक जो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था वो सोचिए सॉल्व। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और जो स्क्रीन पर ऊपर वीडियो आएंगे आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।